देखो मध्य प्रदेश और दिल्ली में एक ऐसा नियम है कि कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करके छोड़ के चला जाता है तो साल भर तक उनकी सूची एक और जारी होती है और उनकी जगह दूसरे को लिया जाता है, नीचे वाले को। तो ऐसे में राजस्थान में मध्य प्रदेश और दिल्ली का नियम लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ अधिकारियों की लापरवाही थी कि भर्तियों को क्रम वाइज नहीं करा पाए। मैं पीटीआई को उदाहरण देना चाहूँगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एक साथ हो रही है, कुछ लोगों का तीनों जगह चयन होगा। वही अध्यापक भर्ती का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अध्यापक भर्ती तीनों में एक व्यक्ति का चयन हो रहा है, वो ज्वाइन करेंगे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे में जो त्याग पत्र देने वालों की जगह एक और सूची जारी करने का प्रावधान राज्य सरकार करे और हजारों युवाओं को राहत दे, ये मांग हम आज राज्य सरकार से कर रहे हैं। और इस बार ये स्थिति स्पष्ट है कि यदि युवाओं की मांगों को सरकार अनदेखी करेगी तो कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। सरकार युवाओं की मांगों को पूरा करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूंगा, ये बड़ा मुद्दा है। यदि इस मुद्दे को सरकार हल करती है तो ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड कायम होगा और कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ा फायदा भी होगा। आचार संहिता लगने वाली है, कई प्रतियां लंबित हैं। देखो, तमाम लंबित भर्तियों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग देने की मांग कर रहे हैं। नई 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालने की मांग इन्होंने घोषणा की थी, उसकी मांग कर रहे हैं कि तत्काल नई 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाए, इनकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी किया जाए, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे रोडवेज विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, तमाम विभागों में कई ऐसी भर्तियां जिनका नियम संशोधन होना है, ये नियम संशोधन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार यदि ये त्यागपत्रित पदों में नया रूल्स में संशोधन कर इसको लागू करती है तो हजारों लोगों को नौकरी मिल जाएगी और हजारों युवाओं की दुआ भी मिलेगी और सरकार का बेहतरीन निर्णय होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर आप लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। रीट पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित होती है लेकिन ये आयोजित नहीं करा पा रहे। लगातार मुख्यमंत्री ओएसडी, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी सबको हमने ज्ञापन दे दिया, उन्होंने कहा था हम जल्दी घोषणा कर देंगे, नई विज्ञप्ति जारी हो, नई उसकी घोषणा हो पाई है। तो ऐसे में युवाओं में बड़ा आक्रोश है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस बार चुनावों में जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। यदि युवाओं की अनदेखी होगी तो कांग्रेस रिपीट नहीं होगी। युवाओं की मांगों को पूरा किया गया तो युवा दोबारा कांग्रेस को रिपीट करवाएंगे। अब हम मांग कर रहे हैं ना, सरकार को घोषणा करनी चाहिए, विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, परीक्षा तिथि की घोषणा करनी चाहिए और जो तमाम जो लंबित भर्तियां हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे बिजली विभाग की, तमाम भर्तियों को पूरा करना चाहिए और नई भर्तियां निकालनी चाहिए।